नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। विधायक पर वनपाल और थाना प्रभारी को धमकाने का आरोप, संजय जाटव बोले, नहीं चलने दूंगा गैर कानूनी कारोबार। धौलपुर के बसेड़ी विधायक संजय जाटव का थाना प्रभारी के साथ एक वनपाल को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक ऑडियो में विधायक शराब माफिया से सुविधा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऑडियो को लेकर विधायक ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में गैर कानूनी कारोबार नहीं चलने देंगे। वायरल ऑडियो के मामले में विधायक पूर्व में कार्रवाई करवा चुके हैं। बसेड़ी से कांग्रेस विधायक संजय जाटव के एक के बाद एक तीन ऑडियो के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑडियो में विधायक वनपाल और थाना प्रभारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में विधायक के सामने से वन कार्यालय से एक तेज ट्रैक्टर गति से निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर विधायक द्वारा जबरन वन कार्यालय से निकलने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो और वीडियो के मामले में विधायक ने एक वीडियो जारी कर अपना स्पष्टीकरण दिया है। वीडियो के जरिए विधायक संजय जाटव ने बताया कि वनपाल को पूर्व में ही सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि सरमथरा थाने के कांस्टेबल ड्राइवर को एक पिटाई के मामले में लाइन भेजा जा चुका है। विधायक ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र में कोई भी भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कारोबार नहीं चलने देंगे। इसके लिए उन्हें चाहे कितने भी आरोप झेलने पड़े। विधायक बोले, सस्पेंड हो चुके हैं वनपाल। पहले ऑडियो में सरमथरा रेंज के क्षेत्रीय वनपाल संजय सिंह तोमर और विधायक संजय जाटव के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में विधायक वनपाल को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ऑडियो पर विधायक ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि 8 मई को ही वनपाल को मामले में सस्पेंड किया जा चुका है। थाना प्रभारी को धमकाने का आरोप। दूसरा ऑडियो बसेड़ी विधायक संजय जाटव का सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के साथ हुई वार्ता का वायरल हुआ, जिसमें विधायक द्वारा थाना प्रभारी को फोन किया जाता है। थाना प्रभारी को बोलते हुए विधायक, सामान जब्त हुआ है क्या? थाना प्रभारी बोलते हैं कि आपको क्यों बताओ। इसके बाद थाना प्रभारी को धमकाने भरे लहजे में विधायक कहते हैं कि राम लखन को किस आधार पर बंद किया है, क्या उससे माल भी बरामद हुआ है, इसकी जानकारी मुझे दीजिए। थाना प्रभारी बोलते हैं कि कानून के मुताबिक काम किया है, जानकारी कोर्ट को दूंगा। जिस पर विधायक कहते हैं कि मैं विधायक जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ, कायदे से बात कीजिए। विधायक द्वारा थाना प्रभारी पर आरोप लगाए जाते हैं, जिन आरोपों का थाना प्रभारी तुरंत खंडन करते हैं। दूसरे ऑडियो के मामले में विधायक ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि थाना प्रभारी क्षेत्र में गैर कानूनी कारोबार करवाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बुजुर्ग की पिटाई भी की थी, जिस मामले में एसपी को की गई शिकायत के बाद उनके थाने के कांस्टेबल ड्राइवर शिव कुमार को लाइन भेजा गया। विधायक बोले, ऑडियो में मेरी आवाज नहीं। तीसरा ऑडियो आबकारी सेल्समैन सोलू शर्मा के साथ विधायक संजय जाटव की वार्ता का बताया जा रहा है। ऑडियो में बताए जा रहे हैं, विधायक सेल्समैन को सेवा पाने के लिए कॉल करते हैं। विधायक द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे भी रिश्तेदार आते रहते हैं। विधायक संजय जाटव द्वारा पूरे विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का भी नाम लिया जा रहा है। तीसरे ऑडियो को लेकर विधायक संजय जाटव ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें विधायक ने बताया कि इस ऑडियो में मेरी कोई आवाज़ नहीं है, इस आवाज़ की जाँच कराई जाएगी। क्षेत्रीय वन कार्यालय से ट्रैक्टर छुड़ा रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विधायक संजय जाटव पर जबरन वन कार्यालय से ट्रैक्टर छुड़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस आरोप पर विधायक संजय जाटव ने बताया कि मामला 26 या 27 फरवरी का है। वन विभाग के ने खेत पर काम कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ा था, जिसकी शिकायत करने के बाद वन विभाग के निर्देश पर ही ट्रैक्टर को छोड़ा गया। पूरे वीडियो में ना तो ट्रैक्टर की चाबी दे रहा हूँ, ना ही मैंने ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए किसी तरह का दबाव बनाया है। आज मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि दो ऑडियो वायरल हो रहे थे और मीडिया के कई फोन भी आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि संजय तोमर जो वनपाल है नाका खुदिया रेंज सरमथरा का, उसने जो ऑडियो वायरल किया है वो 18 मार्च 2024 का है, जिसके अंतर्गत मैंने उसी दिन डीएफओ साहब के यहाँ जाकर के उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और उसके जांच कराई थी। 3 साल से उसने जो काम कराया नाका खुदिया के अंदर, जैसे प्लांटेशन हो गया, आपका तलैया हो गई, आपकी पोकर खुदाई हो गई, आपकी चार दीवारी हो गई, या कच्चे जो जीसीबी के द्वारा खाई डालते हैं वो भी, उन सबका मैंने जांच के लिए डीएफओ साहब से एक कमेटी का आगे इसकी जांच करके बताया कि इसमें कितने अनियमित है। डीएफओ साहब ने जांच भी बैठाई थी और जांच में उन्होंने 2 बार रिकॉर्ड मांगा उस व्यक्ति से, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए उसने ना तो एमबी बुक बिल दी, ना ही कोई फाइल प्रोवाइड कराई,
ना ही उसने ऑफिस के अंदर कोई कागजात रखे, अपने घर ले जाके धौल पूर्वक कागजात रखे। इस उपलक्ष्य में मैंने एक बार उन्हें स्मरण लेटर स्क्रिप्ट भेजा मैंने डीएफओ साहब को, उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने सीसीएफ साहब से भी कहा, सीसीएफ साहब आए थे 7 मई को, तो उन्होंने 8 मई को वहां जो जांच करी थी तो उसमें अनियमितताएं मिली। काम पूर्ण हुए बिना ही भुगतान उठा लिया गया, मौके पर काम नहीं थे, इसलिए 8 मई 2024 को संजय तोमर बनपाल नाका खोदिया को सस्पेंड करते हुए उनका भरतपुर कार्यालय किया गया। एक तो ये बात है, दूसरी बात है 10 अप्रैल 2024 की, उस दिन अवैध दारू के प्रकरण में, अवैध शराब के प्रकरण में केस बनाने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई थी, जिसका समय रहते हुए मुझे मालूम पड़ा। मैंने थानाधिकारी को फोन किया और मैं स्पष्ट उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं क्या कह रहा हूं मैं। उसमें मैंने यही कहा था कि आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है तो इस टाइम इसके मौके पे इसके पास क्या सामान है, क्या वे दारू है। थानाधिकारी इसमें स्पष्ट कह रहा है कि हम आपको क्यों बताएं, तो मैं निर्दोष लोगों को संजय जाटव फंसने नहीं देगा, निर्दोषों के खिलाफ संजय जाटव नहीं देगा। इनकी कार्यशैली, थानाधिकारी की कार्यशैली इतनी खराब है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ऑफिस के बगल से ही 4 दुकान छोड़ करके जो हमारे विजिटर आते हैं, आप तक आते हैं, आम जनता आती है, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता है विजेंद्र सिकरवार, वो व्यक्ति शाम को 7:30 बजे 8 मई को उस व्यक्ति को उठाया गया था और 10 मई को सुबह 6 बजे से छोड़ा गया 151 के अंदर। उसे 2.5 दिन तक उसको प्रताड़ित किया गया थाने के अंदर, जानवरों की तरह उसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, जिसका हमने जिला अस्पताल में इलाज भी कराया गया था। और जब इस उपलब्ध मैंने इस संबंध में थानाधिकारी से बात की तो अनवेक होते हुए कहा था मैं सब छोड़ दूंगा, 151 में मैंने उसको पाबंद किया है और उसको गलत तरीके से 2200 रुपए की पर्ची बना करके सट्टे का उसका केस बनाया गया। इस तरह का थानाधिकारी की कार्यप्रणाली है। इसके और भी कई केस है, एक केस ये भी है कि एक चोरी के प्रकरण में एक व्यक्ति को पकड़ा था संदेह के आधार पर और उसका सिर फोड़ दिया। तो जहां तक मुझे मालूम है थानाधिकारी की मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, इनकी मुझे हालत ठीक नहीं लगती है कि इस तरह से ये काम कर रहे हैं, कार्यप्रणाली इनकी इतनी खराब है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक दारू सुबह खुद थानाधिकारी खड़ा होकर भिजवाते हैं। इस संबंध में मैंने खुद उनको मौके पर पकड़ा, दारू पीने वाले को तो पकड़ के ले जा रहे हैं लेकिन दारू बेचने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो संजय जाटव ये राज नहीं चलते थे, मैं इस अन्याय के खिलाफ, निर्दोषों के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं होने दूंगा। इस संबंध में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि जो उच्च अधिकारी इनके माननीय पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, डीएफओ साहब हैं, आप उनसे पूछिए। संजय तोमर सस्पेंड हो चुका है, एक पुलिस चालक है थाना सरमतरा का, उसको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगर संजय जाटव गलत होता, जो ऑडियो वायरल हुई है, तो शायद हो सकता है इस समय आपसे वो सामना नहीं कर रहा होता। उनको सस्पेंड क्यों किया गया, पुलिस लाइन हाजिर क्यों किया गया? मेरे पास एक एक कागजात है, मैं आपको कागज दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 18 मार्च को डीएफओ साहब को संजय तोमर की शिकायत की है और 18 मार्च के बाद 8 मई को सीसीएफ साहब ने उनकी जांच करते उसको सस्पेंड किया गया। दूसरा मैं बता देता हूँ, 156/3 के तहत थानाधिकारी पे इस तरह से दर्ज हो चुका है। एसपी साहब के यहाँ बेल सिकरवा जिसको बेरहमी से मारा पीटा गया था, जिसका राजस्थान पत्र का दैनिक भास्कर में भी न्यूज में निकला है, एसपी साहब ने खुद उस व्यक्ति को देखा है। एसपी साहब ने डीएसपी और सीओ को आदेश दिए हैं कि जांच करी जाए। तो ये मैं बता सकता हूँ कि गुंडागर्दी खुद थानाधिकारी कर रहा है। संजय जाटव का ना तो कोई अवैध कारोबार है, ना अवैध वालों का सहयोग करता है, ना कभी साथ देता है। मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ लड़ूंगा। और ऐसे थानाधिकारी या ऐसे जो भी कार्मिक हैं, जो गलत कार्य में शामिल हैं, संजय जाटव उनको बख्शेगा नहीं। मैंने आपकी कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर, हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है।
कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। ग्यारह के भी विद्युत लाइन को हटवाने के लिए सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे की नयावास कॉलोनी में घर के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन को हटवाने के लिए लोगों ने बसेड़ी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित थान सिंह ने बताया कि उसका नयावास बसेड़ी में प्लॉट है जिसके पास से 11 केवी की लाइन गुजर रही है जो जमीन से लगभग 8 फीट ऊंचाई पर है। इसके कारण पीड़ित अपने प्लॉट का निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहा तथा अनहोनी होने का भय रहता है। पीड़ित ने सहायक अभियंता विद्युत विभाग को ज्ञापन देकर इस समस्या से समाधान की मांग की। ज्ञापन देने वालों में धान सिंह, शीला जनवेद, कोक सिंह, पूरन सिंह, ओम प्रकाश और माया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बाइक लूटकर ले जा रहे बदमाशों का ग्रामीणों ने किया पीछा। एक जने को पकड़ा, अन्य दो बदमाश भागने में सफल रहे। बसेड़ी क्षेत्र के कोटरा गांव से भागवत कथा से लौट रहे एक श्रद्धालु से गुरुवार देर शाम राजकीय महाविद्यालय के समीप 3 अज्ञात जनों ने जबरन एक बाइक छीन ले गए। इसकी सूचना उसने ग्रामीणों को दी तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और अपने साधनों से अज्ञात जनों की तलाश शुरू की, जिस पर उन्हें भरतपुर धौलपुर जिले की सीमा के पास लखवा के अड्डा के पास 3 बदमाशों में से एक को मौके पर ग्रामीणों ने पकड़ लिया जबकि 2 भाग निकले। ग्रामीणों ने पकड़े गए शख्स की जमकर धुनाई कर दी, बाद में उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपित को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उससे पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण बजरंगी के अनुसार पिपरौन निवासी सौरभ कोटरा मंदिर के पास आयोजित भागवत कथा से लौटकर अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान राजकीय महाविद्यालय स्टेट हाईवे पर एक बाइक पर 3 व्यक्ति उसे मिला जिससे बाइक छुड़ाकर ले जाने लगे। विरोध किया तो पत्थर से उसे घायल करने का प्रयास किया जिससे उसके एक आंख के पास चोट आई है। जबकि सूचना पर पीड़ित ने अपने गांव के लोगों को दी तो बड़ी संख्या में बाइक गाड़ियों से गांव के युवा उन बदमाशों का पीछा करते हुए गड़ी बजाना की ओर चल दिए। इस दौरान बॉर्डर के समीप लखवा के अड्डा के पास 3 बदमाश बाइक के साथ मिले लेकिन 2 बदमाश भागने में सफल रहे जबकि 1 को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर फिलहाल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में भर्ती कराया जहां उसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवांछित तत्वों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमत्रा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल टीम की मदद से भमपुरा गांव के पास गत दिनों पूर्व हुई लूट की घटना का पर्दाफाश किया जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल को भमपुरा गांव के पास बदमाशों ने भमपुरा गांव निवासी पीड़ित हल्का एवं उसकी पत्नी ललिता के साथ शादी समारोह में से लौटते समय रास्ते में मारपीट कर सोने के आभूषण लूटे गए थे। वह घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को छोड़कर भाग गए जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान किया गया और पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल टीम व सवलगढ़ थाना क्षेत्र एवं मंडियारल थाना क्षेत्र में आसूचना संकलन करते हुए 2 मुलजिम मोनू उर्फ निसार खान पुत्र मुंशी खान निवासी मिर्जापाड़ा सवलगढ़ मध्य प्रदेश एवं शिवम उर्फ कल्लू पुत्र मुकेश करोड़ी निवासी पवारों की अस्थायी रानीपुरा थाना मंडियारल को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिमों से गहनता से पूछताछ करने पर मुलजिमों ने पूर्व में मंडरायल थाना क्षेत्र के मारेका कुआ के पास से एवं चंबल पुल के पास हुई 2 लूट अन्य की घटनाओं का खुलासा किया। साथ ही उक्त मुलजिमों से अन्य घटनाओं के खुलासे के लिए भी गहनता से पूछताछ जारी है। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार, नरसी राम, श्याम बाबू, परशुराम, समुद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चंबल प्रभाग न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर प्रशिक्षण का शुभारंभ। धौलपुर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, शरद जोशी।
धौलपुर राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर में राष्ट्रीय प्रशिक्षक शरद जोशी एवं राष्ट्रीय जूनियर चयनकर्ता सिद्धार्थ जोशी के आतिथ्य में हुआ। शिविर में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षक शरद जोशी ने कहा कि धौलपुर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस छोटे से जिले ने क्रिकेट की मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बाद भी देश एवं राजस्थान को तनवीर उल हक, अमित गौतम, राहुल चाहर, रजत बघेल जैसे क्रिकेटर दिए हैं। राष्ट्रीय जूनियर चयनकर्ता सिद्धार्थ जोशी ने खिलाड़ियों से कहा कि कड़ी मेहनत कर अपनी प्रतिभा को दिखाएं और अपने जिले एवं राज्य का नाम रोशन करें। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सौमेंद्र तिवारी ने बताया कि जिले एवं राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। क्रिकेट संघ द्वारा खिलाड़ियों को सभी खेल सुविधाएं प्रदान की जाती रहेंगी। शिविर में से प्रतिभाओं का चयन कर उनकी कमियों को दूर कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया जाएगा। क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संघ द्वारा निःशुल्क आयोजित शिविर में जिले भर से विभिन्न आयु वर्ग के 150 से अधिक बाल बालिका भाग ले रहे हैं। शिविर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा जिले की प्रतिभाओं के खेल को निखारा जाएगा। शिविर में प्रशिक्षक के रूप में BCCI लेवल 1 सोमेंद्र तिवारी, दुष्यंत त्यागी, सुरजीत सिंह, संजीव कुमार रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व खिलाड़ी विनोद तिवारी, नरेश लवानिया, राघवेंद्र गहलोत, राहुल राणा, आर्यन शर्मा, अभिषेक गोला, बसंत शर्मा एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी अभिभावक मौजूद थे। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्यवाही। सरमथरा उपखंड के डोमपुरा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अवैध ब्लॉक से भरा ट्रक जब्त किया। रेंजर राजेश मीना ने बताया कि गश्त के दौरान अवैध खनन प्रतिबंधित वन क्षेत्र डोमपुरा में एक अवैध पत्थर के ब्लॉक से भरा ट्रक, जिसमें अवैध पत्थर ब्लॉक से भरा ट्रक जब्त किया गया व चालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं संदर्भ में रेंजर्स राजेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिबंधित वन क्षेत्र से किसी भी प्रकार का खनन व उसका परिवहन विभाग द्वारा बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। अवैध प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन व उत्खनन करते पाए जाने पर विभाग द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र वन्य जीवों के लिए वह प्रकृति के संरक्षण के लिए है, परंतु क्षेत्र में पत्थर के उत्खनन के लिए लोगों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जिनके खिलाफ विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। वह निरंतर जारी रहेगी, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। वह जब्त ट्रक को विजोली नर्सरी में खड़ा कर दिया गया है। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। फर्जी तरीके से रेलवे के ई टिकट बनाने पर गिरफ्तार, रेलवे पुलिस ने की कार्यवाही। 8 पर्सनल यूजर आईडी उपयोग में करता था बुकिंग। रेलवे पुलिस ने बताया कि रेल सुरक्षा बल धौलपुर और क्राइम विंग सेल आगरा द्वारा मुख्यालय साइबर सेल से प्राप्त IRCTC की 5 पर्सनल यूजर आईडी और संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच के दौरान अवैध रेल ई टिकटों के कारोबार का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में राजाखेड़ा के तहत कार्रवाई करते हुए जितेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र हीरा लाल निवासी हाट मैदान जरिया मोहल्ला वार्ड नंबर 9 थाना कोतवाली राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया। रेलवे पुलिस ने बताया कि RPF पोस्ट धौलपुर और क्राइम विंग सेल आगरा द्वारा अवैध तरीके से रेलवे की ई टिकट का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को 8 पर्सनल यूजर आईडी का प्रयोग करके ई टिकट का कारोबार करने के आरोप में ICS ट्रेवल के संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता को मेन बाजार राजाखेड़ा से गुरुवार दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप बरामद किया है। आरोपी एजेंट आईडी की आड़ में पर्सनल यूजर आईडी की मदद से तत्काल और सामान्य टिकट बनाकर निर्धारित कीमत 200 से 300 रुपए अधिक लेकर जरूरतमंद ग्राहकों को टिकट बेचता था। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी को बताया कि वह रेलवे ई टिकटों का अवैध व्यापार पर्सनल यूजर आईडी पर पिछले लगभग 3 साल से कर रहा है। टीम में RPF ASI सिद्धनाथ, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल रामचरण मीना, हेड कांस्टेबल CIV आगरा अजय पाल सिंह मीना और कांस्टेबल अजय GRP शामिल थे। संभागीय आयुक्त सबरवल वर्मा व कन्या पिता पुत्र के नाम लगाए परिंदे।
अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के संभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय सरमथरा में संभागीय आयुक्त भरतपुर सावरवल वर्मा व उनके पुत्र विशिष्ट शासन सचिव कनिष्ठ कटारिया के नाम पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। डॉक्टर रंजीत मीणा ने कहा कि संगठन हर वर्ष की भांति इस बार भी गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए परिंडे व दाना पानी की व्यवस्था करता रहता है। भीषण गर्मी में जहां तपती दोपहरी की वजह से तो हम लोगों का जीवन जीना दूभर हो रहा है, तो पशु पक्षियों की हालत क्या रही होगी। इसके लिए पक्षियों के लिए परिंडे लगाना व दाना पानी की व्यवस्था करना एक पुण्य का काम है जिसे संगठन करता रहेगा। पिता पुत्र के नाम से परिंडे लगाने का उद्देश्य केवल इतना है कि विवाह के कर्मचारियों में परिंडे लगाने का संदेश जाए जिससे वह भी परिंडे लगाने के लिए प्रेरित हो। बड़े अधिकारियों के नाम से परिंडे लगाने का उद्देश्य यह भी है कि भविष्य में परिंडे की देखभाल वहां के कर्मचारी समय समय पर करते रहेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ सहायक सचिन शर्मा, कनिष्ठ सहायक राजेश कुमार मीणा, सुनील बंसल सहित साहजित परवेश आदि मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। तपती धूप में सड़क पर बसों का इंतजार करने को मजबूर यात्री। सरमथरा कस्बा में अभी तक रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा ना होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सड़क किनारे ही खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कस्बा से यात्री अपनी जरूरी कामकाज आदि के लिए करौली, जयपुर, धौलपुर, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली आदि के लिए सफर करते हैं, लेकिन कस्बे में स्थायी रूप से बस स्टैंड ना होने की वजह से लोगों को सर्दी गर्मी बरसात में सड़क के किनारे ही खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। वहीं पूर्व में लोगों के द्वारा बस स्टैंड की मांग की गई थी, जिस पर बसेड़ी के पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बाईपास पर बस स्टैंड की भूमि पूजन भी किया था, लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी आज तक बस स्टैंड का निर्माण ना होने से यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती है। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बूचड़ खाने जा रहे 37 पशु पुलिस ने कराए मुक्त, दो तस्कर गिरफ्तार, ट्रक को किया जब्त। बूचड़ खाने कटने जा रहे 37 पशुओं से भरे ट्रक को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सैपो कस्बे के बसई नवाब ओवर ब्रिज के पास से पकड़ा है। ट्रक में मौजूद दो पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सैपो थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि स्थानीय पुलिस थाने के कांस्टेबल मैदूराम को मुखबिर से सूचना मिली कि धौलपुर की ओर से पशुओं से भरा ट्रक यूपी जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर NH-123 पर ओवर ब्रिज के पास पुलिस ने नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने धौलपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक को रुकवाया। ट्रक के दर 37 भैंस ठूस ठूस कर भरी पड़ी हुई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर सलीम खान पुत्र शमसुद्दीन निवासी कांगरोल और शाहीन पुत्र नकीम निवासी कांगरोल को गिरफ्तार कर लिया है। पशु तस्करों के पास पशुओं की खरीद फरोख्त संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पशु तस्कर उत्तर प्रदेश बूचड़खाने में पशुओं को तस्करी कर ले जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट में मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि पशु तस्कर शाहीन और सलीम को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया प्रारंभिक जांच में पशु तस्कर उत्तर प्रदेश गुजर खाने कटने के लिए पशुओं को ले जा रहे थे। जांच में पशु तस्करी के बड़े मामले खुलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। युवक की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडों से किया था हमला, पुलिस कर रही है पूछताछ। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के भैरोकापुरा गांव में 9 मई 2024 को युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि 9 मई 2024 को कोलारी थाना क्षेत्र के गांव भैरोकापुरा में जमीन विवाद को लेकर हौतम कुशवाहा और वीरेंद्र सिंह कुशवाहा में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों ओर से लाठी भाटा जम गई। वीरेंद्र सिंह कुशवाहा पक्ष के लोगों ने हौतम कुशवाहा की लाठी डंडे और सरियों से पीट पीट कर हत्या की थी। मृतक के भाई गुमान सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया था।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं हत्याकांड का दूसरा मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा फरार चल रहा था, जिसकी लोकेशन मुखबिर द्वारा मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल रोड पर मिली थी। गुरुवार को स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद, मरीजों की जान से कर रहे हैं खिलवाड़। सरमथरा कस्बे में इन दिनों गली गली में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। चाय की गुमटियों जैसी दुकानों में झोलाछाप डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। मरीज चाहे उल्टी दस्त, खांसी बुखार से पीड़ित हो या फिर अन्य कोई बीमारी से, सभी बीमारियों का इलाज ये झोलाछाप डॉक्टर करने को तैयार हो जाते हैं। खास बात तो यह है कि मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसे आनंद फानंद में सरकारी अस्पताल अथवा जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। बिना लाइसेंस के दवाओं का भंडारण भी करते हैं। झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बिना पंजीयन के एलोपैथी चिकित्सा व्यवसाय ही नहीं किया जाता, बल्कि बिना ड्रग लाइसेंस के दवाओं का भंडारण भी विक्रय रूप से अवैध रूप से किया जाता है। दुकानों के भीतर कार्टून में दवाओं का अवैध तरीके से भंडारण होता है। कस्बे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई सालों से अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। इन दिनों मौसमी बीमारियों का कहर है और झोलाछाप डॉक्टरों की दुकान मरीजों से भरी पड़ी है। गर्मी व तपन बढ़ने के कारण इन दिनों उल्टी, दस्त, बुखार जैसी बीमारियां ज्यादा पनप रही हैं। झोलाछाप इन मरीजों का इलाज ग्लूकोज की बोतल लगाने से शुरू करते हैं। एक बोतल चढ़ाने के लिए उनकी फीस 200 से 300 रुपए तक होती है। स्वास्थ्य विभाग नहीं करता कोई कार्यवाही। झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से अब तक कई लोगों की असमय जान चली गई, क्योंकि झोलाछाप डॉक्टर मरीज पर जब तक हार नहीं मानते तब तक की मरीज की जान ना चली जाए, और ऐसे में मरीज के पास इतना समय ही नहीं रहता कि वह अन्य कहीं इलाज करवा सके। इन सभी समस्याओं को जानते हुए अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थायी तौर पर झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। केस बिगड़ने पर मरीज को अस्पताल रेफर कर देते हैं। कस्बे में बीते कुछ वर्षों से फर्जी डिग्री धारी डॉक्टरों की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कोई भी मरीज इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाता कि डॉक्टर उपयुक्त डिग्री धारी नहीं है, कि सभी झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों में लगभग सभी बीमारियों का इलाज धड़ल्ले से किया जा रहा है। जैसे ही विभाग कार्रवाई की सूचना मिलती है दुकानों पर ताला लगाकर गायब हो जाते हैं। विभाग खाली हाथ लौटने को हो जाते हैं मजबूर। ऐसे में विभाग द्वारा बिना सख्त कदम लिए इनसे निजात पाना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। चंबल प्रभार न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। देवी पुराण की कथा में भक्ति में हुआ पांचाल। धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित वाटर बॉक्स हनुमान मंदिर पर बीते सप्ताह से चल रही श्रीमद् देवी पुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु झूमते गाते नजर आ रहे हैं। श्री श्री 108 महंत रामदास जी के दिशा निर्देशन में आयोजित संगीतमय देवी पुराण का आयोजन 9 मई से आरंभ हुआ, जिसका आज संगीतमय भजनों के साथ समापन हुआ। कथा में श्रद्धालु भीषण गर्मी की परवाह किए बिना भक्ति पान कर रहे हैं। महिला मंडल घंटाघर के तत्वाधान में आयोजित इस संगीतमय कथा में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने माला पहनकर उनका सम्मान किया और कहा कि पौराणिक कथाएं हमारी आस्था का प्रतीक है, इससे हमें हमारी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने जमकर ठुमके लगाए और पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। श्रीधाम वृंदावन से पधारे पंडित जगदीश माधव जी के द्वारा संगीतमय भजनों के बीच कथा सुनाई गई, जिसका सभी श्रोताओं ने अंतर मन से सुना।